उन्होंने फिर ग्रैंड स्विस प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम करने में सफलता पाई है। इसी के साथ विदित ने 2024 में होने वाले कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। विदित की इस सफलता पर उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है विदित गुजराती, जो अभी अभी इन्होंने जीता है स्विट्जरलैंड में चेस टूर्नामेंट और कैंडिडेट टूर्नामेंट के लिए भी क्वालिफाई किया। विदित, कैंडिडेट टूर्नामेंट बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। हाँ, ये टूर्नामेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग टूर्नामेंट था, वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट ओपन टूर्नामेंट था आई थिंक, एटलीस्ट लास्ट डेकेड में सारे टॉप प्लेयर्स खेल रहे थे। तो ऐसी टूर्नामेंट जीतना एंड कैंडिडेट्स टूर्नामेंट पहुँचना, जो जस्ट लास्ट स्टेप है वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए, तो इट फील्स वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है। ऑफकोर्स काफ़ी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, बट द फर्स्ट स्टेप इज़ डन एंड दैट्स मतलब काफ़ी मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस बढ़ गया उसके कारण। अच्छा, मोटिवेशन कॉन्फिडेंस बढ़ गया, लेकिन बीच में ऐसा लगा था कि क्या कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा, सेल्फ डाउट बहुत जल्दी आता है, क्योंकि जब आप जीत रहे हो तो सब ठीक है, नहीं जीत रहे हो वो भी खासे लंबे समय, तो ज़रूर थोड़ा सा आ जाता है सेल्फ डाउट। हाँ, बहुत बार मुझे डाउट भी हो रहा था कि मेरे करियर के रिलेटेड कि ये मेरा पीक हो गया कि नहीं, अभी और क्या होगा, डू आई हैव इट इन मी, सारे ऐसे सवाल आ रहे थे, काफ़ी ऐसे थॉट्स थे, एंड इट ईजी नहीं था उसको डील करना, क्योंकि जैसे आपने कहा, जब अच्छा नहीं जा रहा है तब टेस्ट होता है, एंड तब मैंने ऑफकोर्स मेहनत तो नहीं छोड़ी थी, बट रिजल्ट नहीं आ रहे थे तो मुझे पता नहीं था कि क्या कमी रह गई है। बट ऐसा होता है कि समय लगता है कुछ कुछ चीज़ों को, अगर मैं जस्ट रुक जाता एक महीने पहले तो नहीं होता, तो और बहुत लोगों का साथ भी है इसमें, ऐसे नहीं कि अकेले ही किया है, तो बहुत ये होता है, थोड़ा डेस्टिनी भी होती है, फेट भी होती है, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि ऐसे सब आया एंड मेहनत को फल आया। 2 करोड़ का सैंक्शन किया है चेस फेडरेशन ने, आपको लग रहा है कि आप तीनों के लिए, आप प्रज्ञा वैशाली, इन तीनों के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। बहुत मतलब आई थिंक सब चेस प्लेयर का जो शुरू करते हैं उनका एक गोल होता है वर्ल्ड चैम्पियन बनना, एंड वो एक ऐसा डिस्टेंट ड्रीम रहता है, बट अभी वो रियलिटी में बदलते जा रहा है क्योंकि पहली स्टेप हो गई। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।